तो मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी और लिंक से आप फॉलो कर लें तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 9th है, इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर इसको प्रूव करना है। तो इसके बराबर इसको प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डिटर्मिनेंट में ज़ीरो बनाना, कि ज़ीरो कैसे बनाया जाए। तो मैक्सिमम ज़ीरो जब तक नहीं बनेंगे जब तक डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन नहीं होगा। और हमें ये दिया रहता है क्वेश्चन में कि प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है ज़ीरो बनाने की। तो ज़ीरो बनाने के लिए हम देखें कि यहाँ पर ज़ीरो किस तरीके से बन सकता है। क्या कोई 2 रो ऐड करके ज़ीरो बन सकता है, 3 रो ऐड करके ज़ीरो बन सकता है? क्या किसी रो में से किसी रो को सब्ट्रैक्ट करके ज़ीरो बन सकता है? क्या कोई 2 कॉलम आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड करके बन सकता है? मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आपको। आप ये सोच रहे हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ एक जैसा बनेगा, नहीं। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉलम्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रोज नॉट अलाउड। तो फिर एक ट्रिक लगाना आप, तो वो ट्रिक क्या होगी? मान लें कि ये डिटर्मिनेंट है आपका डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखें। आप सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 1/x। अब एक्स लिखा है 1/x, तो एक्स से डिवाइड किया तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो एक्स से मैं इस रो को मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये देखिए क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। जैसा कि आपको मालूम है कि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि एक रो मल्टीप्लाई होगी या एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो एक एलिमेंट से अगर आपने डिवाइड किया तो एक ही रो मल्टीप्लाई हो सकती है या एक कॉलम। तो हमने इस रो को मल्टीप्लाई किया, फायदा क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ एक्स वाई जेड। अब आप भी समझ चुके होंगे कि अब इसको y से डिवाइड करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिए, आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, अब इसी तरीके से इसको z से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास z स्क्वायर z क्यूब एक्स वाई जेड। अब आप क्या कर दें कि इसमें से एक्स वाई जेड को कॉमन ले लें। अगर आप एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। अब कॉमन कैसे लेंगे आप, तो कॉमन यहाँ से लें, कॉलम नंबर 3 से, तो सारे एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएंगे, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। तो आपके पास किस तरीके का डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 1 1। अब जैसे ही 1 1 1 इनको कैंसिल कर दें आप, अब फ्री हो जाएंगे। जैसे ही 1 1 1 आए तो इस आप 1 की हेल्प से इसको 0 बना लें, इस 1 की हेल्प से आप इसको 0 बना लें। जैसे ही आप 2 0 बना लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो 0 बनाने के लिए क्या करें आप, ऑपरेशन लगाएंगे आप, एलिमेंटरी ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन के हिसाब से R2 में रो नंबर 2 में रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1 कर दें, और रो नंबर 3 में भी रो नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, रो नंबर 1 से रो नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या होगा, तो आपका डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए पहली रो में नो चेंज, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, दूसरी रो में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। थर्ड रो में भी चेंज आने वाला है, थर्ड रो में क्या चेंज आएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड रो में चेंज आया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब,
और 1 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास, 0। अब आप इनके फैक्टर्स बना दें, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y क्यूब माइनस x क्यूब के, तो ये देखिए क्या हो जाएंगे इनके फैक्टर, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1। अब इसके फैक्टर y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, इसके फैक्टर हो जाएंगे y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहां पर हो जाएगा 1, और ये 0 है ही आपके पास। यहां देखिए z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड 0। अब आप देखिए कि क्या कॉमन निकल सकता है, तो यहां लिख देता हूं मैं डेल्टा इज इक्वल टू, इस वाली रो में से क्या कॉमन निकल जाएगा, वाई माइनस एक्स, इसमें से जेड माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स कॉमन, z माइनस एक्स कॉमन, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, यहां पर आएगा y प्लस एक्स, ये बचा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0, यहां आ जाएगा आपका z प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, और ये हो गया आपका 0। अब एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं आप, आर थ्री माइनस आर टू, अगर वो ऑपरेशन आप लगाते हैं आर थ्री माइनस आर टू, तो ये काफ़ी कुछ बहुत अच्छा दिखने लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक ऑपरेशन आप और लगा दीजिए, तो उससे आपका एक फैक्टर और कॉमन आ जाएगा, वो फैक्टर कौन सा कॉमन आएगा वो भी देखते हैं हम। आर थ्री माइनस आर टू, ये R3 में लगेगा, R3 में लगा R3 माइनस R2, तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू y माइनस एक्स z माइनस एक्स डिटर्मिनेंट x स्क्वायर x क्यूब 1। देखिए ये क्या है आपके पास y प्लस एक्स, इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में नो चेंज, थर्ड रो में चेंज आएगा जेड प्लस एक्स माइनस दिस, तो जेड प्लस एक्स में से जब ये माइनस करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस वाई रह जाएगा, जेड माइनस वाई। अब आप इसमें से करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो लिखने का स्टाइल आप थोड़ा ऐसा रखें, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रखा आपने जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स जेड माइनस एक्स वाई, एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ये 1 यहाँ लिख दें आप 0, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो नो चेंज, ये आ गया आपका। अब आगे बढ़ेंगे आप, देखिए इसमें आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फैक्टर बना लेते हैं और फिर कॉमन लेते हैं, तो y माइनस एक्स, बहुत अच्छा सवाल है, आपने देख ही लिया होगा, और ऐसा क्वेश्चन है कि जिससे आगे के कॉन्सेप्ट्स भी बन जाते हैं। ये हो गया y प्लस एक्स, इसमें नो चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ 0, यहाँ z माइनस वाई है, इसमें देख लें आप, इसके फैक्टर बन गए z माइनस वाई जेड प्लस वाई, और इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा z माइनस वाई। अब आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, थर्ड रो में से z माइनस वाई कॉमन, तो जब थर्ड रो में से z माइनस वाई कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स ऑलरेडी है, z माइनस एक्स, और z माइनस वाई भी कॉमन ले लें आप, तब डिटर्मिनेंट आपके पास जो बचेगा वो ऐसा बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई प्लस एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जीरो वन, यहां जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा जेड प्लस वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी लिख दें, जेड प्लस वाई प्लस एक्स लिख दें, एक ही बात है। अब आप सॉल्व किससे कर दोगे, तो जहां मैक्सिमम जीरो है, तो मैक्सिमम जीरो कहां है आपके पास, यहां पर, तो आप एक्सपांड करोगे कॉलम नंबर थ्री से, एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम नंबर थ्री, तो कॉलम नंबर थ्री से इसको एक्सपांड कर देते। देखिए कॉलम नंबर थ्री से जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, तो एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम थ्री या सी थ्री, तो सी थ्री से जब आप एक्सपांड करेंगे तो यहां पर आप प्लस लेते हैं कन्वेंशनली, यहां माइनस है और यहां पर क्या आएगा आपका प्लस, तो ये जो लिखा है ये एज इट इज रहेगा, इसको आप चाहें तो थोड़ा सुधार भी सकते हैं, वाई माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये जेड माइनस वाई इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड और ये जेड माइनस एक्स, इसमें नो चेंज। अब यहां पर आपको देखिए, यहां पर आप यहां से चले प्लस माइनस प्लस वन इन टू, तो वन गया, वन हुआ तो ये रो गई और ये कॉलम गया, तो धिस इन टू धिस माइनस धिस इन टू धिस, तो देख ले आप क्या आएगा आपके पास, वन इन टू वाई प्लस एक्स इन टू धिस वाई प्लस एक्स इन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इन टू धिस, तो माइनस वन इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको इसमें क्या हुआ, इसमें ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका ऑर्डर में आ गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये तो बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई कर दें आप, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, अब इससे मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई से कौन कैंसिल, एक्स वाई से ही आपका एक्स वाई कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, तो जो प्रूव करना था वही आ गया। तो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 9, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसको सीक्वेंस में लिख दें, एक्स वाई लिख दें, वाई जेड सीक्वेंस में ये जेड एक्स, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो देखा आपने दोस्तों कि क्वेश्चन 10th कौन सा था, ये सॉरी 9th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको करिए। अगर आपने सारी स्टेप्स फॉलो की तो फिर आपको फुल ऑन फुल मिलेंगे, फुल में से फुल, तो होपफुली ये अगर 4 मार्क्स का तो कम से कम आएगा ही आएगा, 6 मार्क्स में भी इसके आने के चांसेस बनते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट देखिए, दो पार्ट है इसमें, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। पहले फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप तीनों रोज को या तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें और देखें, क्या देखें कि क्या सब एक जैसे हो सकते हैं क्या, तो यस इट इज़ पॉसिबल। इन तीनों को अगर ऐड कर दोगे आप C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर तीनों कॉलम्स आपने ऐड कर दिए, और ये एडिशन जो है ये 1 में होगा, पहले नंबर के कॉलम में होगा, तो अगर ये तीनों एक में ऐड होते हैं तो ये हो जाता आपका 5x प्लस 4, दूसरा भी आपका 5x प्लस 4, तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 हो जाएगा,
और बाकी के जो कॉलम्स है वो एज इट इज रहेंगे, उनमें नो चेंज। 2x x प्लस फोर, 2x, 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 x प्लस फोर। इसी तरीके से अगर ये वाले तीनों आप ऐड करोगे तो ये और ये दोनों सिमिलर प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है, जस्ट इसके नीचे लिखा है। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के। तो जब 5x प्लस फोर हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस, ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम में से मैंने कॉमन ले लिया, 5x प्लस फोर को कॉमन लिया, तो 5x प्लस फोर क्या कॉमन लेते से क्या बन जाएगा आपके पास 1 1 1, 2x x प्लस फोर, 2x, 2x, 2x x प्लस फोर। अब इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना है, तो कैसे 0 बनाएंगे, तो ऑपरेशन होगा आपका R2 में, रो नंबर 2 में, रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1, रो नंबर 3 में, रो नंबर 3 माइनस रो नंबर 1। तो 5x प्लस 4 आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, 5x प्लस 4 विल रिमेन एज इट इज, 1, 2x, 2x। अब आप इसमें से 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप x प्लस 4 माइनस 2x, 4 माइनस x, 2x माइनस 2x 0, 1 माइनस 1 0, और 2x माइनस 2x 0, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस x। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको कॉलम नंबर 1 से, अगर कॉलम 1 से सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 4 ब्रैकेट 1 इंटू, ये रो गई और ये कॉलम गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो यह आ जाएगा आपका 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 0। बाकी आगे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 0 है। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। और 10 का सेकेंड पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, आप सेल्फ ट्राई कर लेंगे और आपको बहुत हैप्पीली आ जाएगा, लगभग सारी स्टेप्स इसी के जैसी है, कोई खास चेंज नहीं है। अब हम दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th में भी दो पार्ट हैं, तो जो 11th का फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, 11th का फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी माइनस सी, 2a, 2a, 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, यहाँ आ जाएगा 2c, 2c और c माइनस ए माइनस बी। और जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, आपको जो प्रूव करना है वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहले ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएं जिससे तीनों रो या एक रो के तीनों एलिमेंट्स या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट्स सेम हो जाएं, ऐसा कौन सा ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, आपको इसके बारे में सोचना होगा। आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसके लिए आप देखो, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5a माइनस बी माइनस सी, यहाँ कुछ और हो जाएगा, लेकिन अगर आप सारी रोज ऐड करोगे इसमें, इसको इसको ऐड कर दोगे, रो नंबर 1 में, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 तीनों ऐड कर दोगे R1 में, अगर ये ऑपरेशन लगाओगे आप R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होने वाला है, तो क्या होगा, ये दोनों इसमें जाके ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। आप इसको भी ऐड कर दो तीनों को और देखो क्या होगा आपका a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी आप कॉमन भी ले सकते हैं, और अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट ऑपरेशन लगा दें जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या ऑपरेशन लगा दें आप,
ऑपरेशन लगा दें सी टू में, सी टू माइनस सी वन तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, सी थ्री में सी थ्री माइनस सी वन तो ये आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी टू बी टू सी, यहाँ ज़ीरो और बी माइनस सी माइनस ए माइनस दिस। तो ध्यान से देखें b माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी, अगर इसमें से माइनस टू बी हमने किया इसमें माइनस टू बी किया तो ये b माइनस टू बी माइनस बी हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, a माइनस कॉमन ले लेंगे आप a प्लस बी प्लस सी, टू बी माइनस टू बी, चलो अभी पहले इसको देख ले, टू सी माइनस टू सी ज़ीरो। अब ध्यान से दीजिए देखिए, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो, टू बी में से टू बी माइनस किया ज़ीरो, इसमें से देखिए इसमें से भी आप 2c माइनस करेंगे तो यहाँ मैं रफ में 2c माइनस करता हूँ, c माइनस 2c क्या होगा माइनस c, माइनस a माइनस b माइनस c, माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका a प्लस b प्लस c। अब आप यहाँ से सॉल्व कर दें, कहाँ से सॉल्व कर दें, रो नंबर वन से, तो रो नंबर वन में क्या है आपके पास a प्लस b प्लस c, ये गई रो ये गया कॉलम, दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब प्रूव करना है हमें, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस जीरो। तो आप देखिए क्या हो गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अब अगर आप इसका एलेवेंथ का सेकेंड पार्ट करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो इलेवेंथ का सेकेंड पार्ट देखते हैं दोस्तों, इलेवेंथ का सेकेंड पार्ट देखिए, इलेवेंथ के सेकेंड पार्ट में आपको x प्लस वाई प्लस टू जेड x, y प्लस जेड प्लस टू एक्स, एक्स वाई और प्रूव करना है ये 2y, प्रूव करना है आपको ट्वाइस x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, इसमें भी होल क्यूब है तो बिल्कुल आसान है, आप जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, लेकिन इसमें इस बार आपको तीनों कॉलम ऐड करने होंगे। तीनों कॉलम ऐड करने से क्या फायदा मिलेगा कि पहला वाला जो कॉलम है ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन ले लें आप x प्लस y प्लस z, इसी तरीके से दूसरा कॉलम भी आपका हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम का 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही ये भी हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या आएगा आपके पास x y प्लस जेड प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। अब ऑपरेशन ऐसा लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे R2 में लगा देंगे R2 माइनस R1 और R3 में लगा देंगे R3 माइनस R1। तो देखिए क्या होने वाला है, तो फर्स्ट रो में नो चेंज, फर्स्ट रो विल रिमेन एज इट इज, उसमें नो चेंज, सेकेंड रो में चेंज आएगा दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा जीरो, दिस माइनस दिस क्या माइनस करना है दिस माइनस दिस, तो y प्लस जेड प्लस टू एक्स में से x गया तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड ही बचेगा, y माइनस वाई कितना होगा ज़ीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे ज़ीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे ज़ीरो, z प्लस एक्स प्लस टू वाई में से अगर y गया तो एक y और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप कहाँ से सॉल्व कर लो इसको, कॉलम नंबर वन से, कॉलम नंबर वन से करेंगे आप तो जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर।
आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारे क्या हैं, जीरो जीरो। तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। तो इस तरीके से ये था 11th का सेकेंड पार्ट। अब देखिए 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 11th और 12, 13th और 14th ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, 2ab, ओह एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 12th की जगह 13th लिख दिया, मैं 12th लिखता हूँ। ट्वेल्थ है आपका 1x एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर 1, और प्रूव करना है आपको 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो बड़ा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले आप कॉलम नंबर 1 में कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दें तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे सब एक जैसे दिखने लगे। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जो ऑपरेशन हम लगाते हैं यूजुअली, इससे इसको जीरो बनाते हैं और इससे इसको जीरो बनाते हैं, तो कौन सा ऑपरेशन है वो R2 में लगा देंगे R2 माइनस R1, और R3 में लगा देंगे R3 माइनस R1। तो ये ऑपरेशन जैसे ही हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो देखिए क्या होने वाला है। फर्स्ट रो नो चेंज, पहली रो में नो चेंज, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर, ये जीरो, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ दिस माइनस दिस जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये कॉमन ले लिया। अब देखिए ये यहाँ क्या आने वाला है, ये आने वाला है 1 0 0, यहाँ एक्स 1 माइनस एक्स, इसमें से अगर माइनस एक्स कॉमन ले लें आप, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले 1 माइनस एक्स, इसमें दो फैक्टर बन गए आपके पास, क्या बन गया वो, एक तो बन गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब आप देखिए इस वाली रो में से 1 माइनस एक्स और इस रो में से भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, तो जब दो 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दो 1 माइनस एक्स, एक इसमें से कॉमन आएगा एक इसमें से कॉमन आएगा, 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 1 एक्स 0 माइनस एक्स, और वहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स। अब आप इसको कॉलम नंबर 1 से सॉल्व करें क्योंकि कॉलम नंबर 1 में मैक्सिमम 0 है, तो कॉलम नंबर 1 से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू, ये हो गया आपके पास ब्रैकेट 1, ये गया ये गया, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स,
तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा आपके पास, देखिए आपके पास हो गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये भी आपके पास है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास है टोटल, टोटल क्या आया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब आप इसको लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला लग जाएगा और वो हो गया आपका 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने शुरू के ऑपरेशंस पे ध्यान दे दिया तो इसका मतलब आपको सब कुछ आ गया। तो 13 देख के फिर 14 पे हम आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 थे आपका 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन लगता है कि यहाँ दोनों नेगेटिव है, पर ये सही है। और आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। आपको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। तो ये बड़ा अलग अटपटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको एकदम से समझ में नहीं आता कि तीनों एक जैसे कैसे बनेंगे। तीन रो के तीन एलिमेंट या एक कॉलम के तीन एलिमेंट आइडेंटिकल कैसे बने, तो इसमें ज़्यादा समझ में ऐसा आता नहीं है कि क्या ऐड कर दें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें। पर अगर ये ऑपरेशन लगाएं आप कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाना है, जैसे इससे मैं इसको ज़ीरो बना देता हूँ, ए से मल्टीप्लाई करके इसको ज़ीरो बना सकता हूँ, इससे मैं इसको ज़ीरो बना सकता हूँ। देखो कैसे कॉलम नंबर 1 में ये ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 1 माइनस इसको बी से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, बी इंटू कॉलम नंबर 3, तो ये देखना क्या बनेगा। फर्स्ट कॉलम 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू दिस, तो जब माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। आप 2ab माइनस बी इंटू दिस, तो 2ab, तो 2ab से 2ab कैंसिल, 2b और माइनस बी इंटू दिस होल, तो जब माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब सेम कंसेप्ट इस पे लगा दीजिए जिससे ये ज़ीरो बन जाए। तो C2 में अब अगला ऑपरेशन है, C2 में C2 प्लस ए C3, C2 प्लस ए C3, तो इसको A से मल्टीप्लाई करके इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ab, इससे A मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2ab, और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है ऐड करना है, तो साइन में कोई चेंज होगा नहीं। इसको a से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसको भी a से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 2a। ध्यान दें कि माइनस 2a प्लस a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर,
और थर्ड में नो चेंज, माइनस टू बी टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा क्या आता है आपके पास, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी माइनस टू ए बी जीरो, टू बी माइनस बी बी, और अगर b कॉमन ले लें आप ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखें 2ab माइनस 2ab, अब देखो आप कुछ समझ में आने लगा, 2ab माइनस 2ab जीरो, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखिए ये हो गया माइनस टू ए प्लस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, तो माइनस ए कॉमन ले लें, माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस टू बी टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें से कॉमन, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें से कॉमन, जीरो है तो जीरो में, तो जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास, ये आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और अंदर होगा वन जीरो बी जीरो वन माइनस ए माइनस टू बी 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए अब और जीरो बनाए जा सकते हैं, कैसे जीरो बना सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इतनी इफेक्टिविटी नहीं आएगी, आपको मार्क्स भी हो सकता है एक कम मिल जाए। अगर आप इसको b से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो, और इसको ए से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो वो अगला ऑपरेशन क्या हो सकता है वो देखिए, अगला ऑपरेशन ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि इस पूरी स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगला ऑपरेशन मैं लिखता हूँ R3 में अप्लाई करना ऑपरेशन, पहले वाले को बी से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, आर थ्री माइनस बी आर वन, और माइनस ए को जीरो बनाना है तो ये ऑपरेशन लगा दें, साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं ए इंटू आर टू। तो देखें आप, आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब फर्स्ट रो में नो चेंज, वन जीरो माइनस टू बी नो चेंज, जीरो वन टू ए नो चेंज, चेंज कहाँ होना है, थर्ड में चेंज होगा, थर्ड में कैसा चेंज होगा, फर्स्ट वाले को b से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b माइनस बी। इसको देखिए आप, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे और इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो। दूसरा देखिए, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो जीरो है, जब इसको a से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस ए। आखिरी वाले में देखना है बस थोड़ा ध्यान से आपको, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी है उसमें, अब आप पहले वाले को b से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस टू बी स्क्वायर हो जाएगा, जब उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, दूसरे वाले को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपके पास क्या क्या बचता है, अब आपके पास आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 0 0, सेकेंड वाले को भी देख लें 0 1 0, माइनस टू बी टू ए, और आखिरी वाला भी देखिए आप, ये क्या हो गया आपके पास माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वन ऑलरेडी वहाँ है,
टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको कहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे? अब अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो धिस इंटू धिस माइनस धिस इंटू धिस, तो वन इंटू धिस इंटू धिस माइनस धिस इंटू धिस, तो ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट वन इंटू ये गया ये गया धिस इंटू धिस, तो क्या आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये बन गया आपका वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। दोनों इंटू करना पड़ेंगे आपको, तो ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आ जाएगा। करीब 30 मिनट हो रहे हैं, ये 40 मिनट हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 14, ये होगा ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस वन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव करना है। तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या करें, आप ए से डिवाइड कर दें और इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, बी से आप इसको डिवाइड और बी से इसको मल्टीप्लाई कर दें ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी बी स्क्वायर सी, इसी तरीके से इसको सी से डिवाइड और इसको सी से मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर। अब आप कॉमन कैसे लेंगे, तो कॉमन इधर से लें, इससे ए कॉमन ले लेना, इससे आप बी ले लेना और इससे मल्टीप्लाई अपन ने ऐसे किए और कॉमन ऐसे लेंगे, तो जब आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से ए कॉमन लें, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से आप बी कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, बी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से सी स्क्वायर, बी कॉमन आ गया, यहाँ से सी कॉमन ले लें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब अपॉन में क्या लिखा है ए बी सी पहले से ही है, ये कैंसिल हो गया तो ये वन हो गया। अब ऐसा कुछ करें जिससे सब एक जैसे हो जाएं, तो अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि अब कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम, तो अब आपको लगाना पड़ेगा ऑपरेशन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और किस में लगेगा ये ऑपरेशन लगेगा आर वन में, तो आर वन में जाके सब जुड़ जाएंगे, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, और जो नीचे है वो वैसे ही रहेंगे, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि वो यहाँ आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, ये आपका पहला रो है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब रो नंबर ध्यान से देख इस देखें, इससे इसको जीरो बना लेंगे, इससे इसको जीरो बना लेंगे, तो कॉलम नंबर टू में कॉलम नंबर टू माइनस कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर थ्री में कॉलम नंबर थ्री माइनस कॉलम नंबर वन, तो क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ बी स्क्वायर
सी स्क्वायर। इसको देखिए, दिस माइनस दिस जीरो, बी स्क्वायर प्लस वन में से बी स्क्वायर माइनस किया बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो, बी स्क्वायर प्लस वन में से किया तो वन आएगा ना, एक्जैक्टली वन आएगा। इधर देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, सी स्क्वायर प्लस वन में से इसको माइनस किया वन। कहाँ से सॉल्व करेंगे आप? रो नंबर वन से, ये गया और ये गया, तो क्या आएगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इंटू में वन आएगा, तो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरीके से था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने किया। आपने देखा काफ़ी आसानी से हम कर पाए इसको। अब आपके 15th और 16th दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15th का डिस्कशन मैंने वीडियो नंबर 1 में भी किया है और वीडियो नंबर 2 में भी किया है, तो आप ज़रूर से देखिए। तो और क्वेश्चन नंबर 16 भी अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों तक बात पहुँचाएँ, आगे बात बढ़ाएँ। केवल मैं इतना ही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और मेरी बेस्ट विशेस हैं। आई हैव माई क्लास नाउ, विश यू ऑल द बेस्ट।